बोलेंगे अपन। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडिंग क्लास, और वो मैं आज भी उस क्लास के बाद मैं फॉलो करता हूँ। मतलब जो नक्षत्र मेरे लिए अच्छे हैं उस दिन अच्छा जाता है, और जो नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं है उस दिन मैं कोई काम नहीं करता। और मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है कि अगर अगर मेरे कोई क्लास में आज अच्छा नक्षत्र नहीं है तो फिर वो दिन हेलो मेरा खराब गया है, वो दिन खराब जाता है और उस दिन मेरे काम भी नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो अगर ऐसे कोई क्लास आती है फिर से नक्षत्र क्लास, तो सभी को कहना चाहता हूँ कि वो क्लास जरूर अटेंड करें, से बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, थैंक यू सर। मतलब बहुत फायदा होता है सीरियसली। जो ईश्वर की कृपा कहें या जो मेरे से एक बार जुड़ गया ना जी मैम, वो जुड़ गया। और भाई ये भी कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहला क्लास जो है वो अभी का क्लास था। अच्छा, आपने मेरा क्लास ही सबसे पहले ज्वाइन किया। हाँ जी, आपने सिखाया था पाइथागोरस, हाँ वो वाला जो आपने फ्री में सेशन दिया था, जी कि जी 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 तब वो दिन था जिस दिन मैं जुड़ा हूँ आज से, शायद 1.5 ईयर हो चुका है जी थैंक तब से जुड़ा हूँ मैं अनको का, और आपसे भी। थैंक यू सर। यू सो मच मैम, आपकी क्लासेस बहुत ही अच्छे क्लासेस होते हैं। थैंक यू सर। जी 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 राइट 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 राइट। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, वेलकम 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 टू एवरीवन, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे सर, जय गुरु जी राधे सर, राधे जय मैडम, गुरु जी राधे सर, जय। बहुत राधे बहुत स्वागत है आप सबका। एग्जैक्टली ये प्लान नहीं था, बट डे टू आज आपके लिए प्लान हो गया है। जैसे हमने प्रिडिक्शन सीखी थी ना, हमने प्रिडिक्शन, हाँ या नहीं, अच्छी वाली प्रिडिक्शन सीखी थी, हाँ या नहीं ये तो बता दो। हाँ सर, यस सर, बिल्कुल सीखी है, मैडम। सीखी थी जी जी सर, आपने सर, सीखी यस थी। बिल्कुल सीखी थी। तो सर, नमस्ते। जितनी वो शॉर्ट शॉर्ट प्रिडिक्शन जा रही थी उतनी ही उन सब ग्रहों नक्षत्रों की रेमेडीज, मतलब परफेक्टली रेमेडीज, उन्हीं ग्रहों के वो उपाय कैसे किए जा सकते हैं, ऐसे 750 उपाय भी आपको सिखाए जाएंगे। मैंने आपको जैसे बताते हैं दो अलग अलग क्लास, दो अलग अलग क्लास है जैसे मैंने आपको ये बताया था, राइट। तो ये दो क्लासे आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके से चल रही हैं। तो और इसको हमने एक किया था, और एक सेकंड देना, एक किया था और दिवाली ऑफर में आपको 3540 रुपये का दिया था। चलिए आज का सेशन रहेगा रेमेडी पर, रेमेडी होती क्या है और हम रहेंगे रेमेडीज करते क्यों है इस बात पे छोटी चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। कोई बताएगा मैम, प्लीज आप ही बताएं आज। रेमेडीज क्या होती है? सिंपल सा एक एग्जांपल लूंगी। हम लोग कभी ना कभी हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स बिगड़ जाता है ना, जिससे हमें बीमारी फील होती है कि भाई आज मुझे बुखार आ गया, हेडेक हो रहा है, या पेट दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द है, कुछ ना कुछ हमें ऊपर नीचे लगता है। तो हम डॉक्टर के पास जाके क्या करते हैं? मेडिसिन लेके आते हैं। और उस मेडिसिन को लेके क्या होता है, 2 या 3 दिन की डोज देता है डॉक्टर, है ना? और कैसा इफेक्ट आता है? हम एनर्जी फील करते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो रेमेडीज भी यही काम है। जैसे हमारे शरीर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। जो कुछ ना कुछ चलने का मतलब है अप डाउन जो चलता है, उसको एक स्टेबिलिटी में लाने के लिए जो हम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते हैं उनको रेमेडीज कहते हैं। इन रेमेडीज करने से मैं ये नहीं कहती कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, है ना? जैसे बारिश आती है, बारिश तो आनी है, आएगी या नहीं आएगी बारिश? आएगी ना। तो रेमेडी क्या है कि हमने रेनकोट पहन लिया, हमने अम्ब्रेला ले लिया, तो हम तो बच गए,
हम तो निकल गए सीधे सीधे आराम से। और अगर आपके पास अम्ब्रेला नहीं है, रेनकोट नहीं है, तो किसी पेड़ के छांव में किसी छज्जे के नीचे खड़े रहो भाई, कि 2 घंटे बारिश बंद होगी फिर निकलूंगा। तब तक क्या पता चलेगा कि सड़कों पे पानी इतना आ गया कि गाड़ी जाम है ना। तो रेमेडीज हमारी एग्जैक्टली हमें बचाने का काम करती है, सेव करने का काम करती है, इसलिए रेमेडीज करनी चाहिए। और मैं तो यहां तक मेरी हर क्लास में मैं कहती हूं कि अब रेमेडीज करने के और एक कारण बताता हूँ। जी बहुत सर सारे योग समय समय पर आते हैं, उन योगों को फलित करने के लिए भी रेमेडी करनी पड़ती है। आप जब जी योग सीखोगे, 750 योग सीखोगे, कई बार वो योग आपको चलित कुंडली में भी दिखेंगे, मतलब लगन कुंडली के अलावा भी दिखेंगे, राइट। उस समय उनको और स्ट्रांग करने के लिए भी आपको वो चीजें कर लेनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी आ सके, ठीक है। या फिर कई बार आप देखेंगे जब घटनाओं वाले योग आएंगे कि ये आएगा तो ये घटना घटेगी, ऑपरेशन की है, हेल्थ की है, एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, तो उनको टालने के लिए भी हमें रेमेडीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले 750 में आज कुछ रेमेडीज पढ़ेंगे हम। जी सर चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कुछ लक्षणों को जानना सीखिए, जैसे कि सूर्य खराब है। हमारे कुंडली में सूर्य कहीं पे भी प्लेस्ड हो, अगर सूर्य खराब है, वीक है, खराब होने का मतलब है वीक है, हमें उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो हमारे लक्षणों से हमारी बॉडी कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेट करती है कि हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा सूर्य वीक है। सिंपल सी बात है कि भाई जिसका सूर्य वीक होगा उसके मुंह से लार निकलेगा, उसके मुंह से थूक निकलेगा बात करते समय। कोई सोया होगा तो आप देखते हैं कई बार ऐसे किसी के मुंह से लार निकल जाती है, वो सूर्य वीक होने की निशानी है। सूर्य वीक हो गया ना, उससे वो सूर्य वीक होने की निशानी है। अब सूर्य वीक हो गया तो इसका उपाय कैसे करोगे? सिंपल सी बात है कि भाई सूर्य वीक है तो नहाने के बाद थोड़ा सा गुड़ अपने मुंह में रखें, जैगरी मुंह में रखें और पानी पिएं, इससे आपका सूर्य उच्च का हो जाएगा। सूर्य वीक है, सरकारी काम में दिक्कतें आएगी। सूर्य वीक है, कोई भी लीगल काम कर लो इजीली नहीं होगा। बॉस से, सीनियर ऑफिसर से, पिता से, बड़े बेटे से, कहीं ना कहीं इश्यूज चलते रहेंगे। सूर्य वीक वाले के देखना हेडेक जरूर रहता है, तो जब आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सूर्य को बल देंगे, तो ये सूर्य आपका अच्छा होने लग जाएगा, जिससे सरदर्द, सरकारी कामों में दिक्कत, ये सब धीरे 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 करके कम होने लग जाएगी। मंत्र चैंट कर सकते हैं आप इसके लिए, कुछ उपाय मैं बता रही हूं है ना। मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इसको 1 बार 108 बार चैंट करें। सूर्य मैं को एक सेकंड दीजिएगा, मैं जी पास सर का पोस्टर दिखा देता हूँ बच्चों को। ऑलराइट, जी जी प्लीज सर दिवाली ऑफर आपका जो पहले दिन वाला ऑफर था वो जा चुका है, और अब ये क्लास आ रही है आप लोगों के लिए 11,111 रुपये में। शॉर्ट शॉर्ट प्रिडिक्शन, 750 प्रिडिक्शन और 750 ही रेमेडीज, दो क्लासे हैं। बेस्ट क्लास एवर आपको दे रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट, ई स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाली है। प्रॉपर ये क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे, और दिवाली की छुट्टियां रहेंगी, दिवाली के बाद ये क्लासेस कंटिन्यू कर दी जाएंगी आप लोगों के लिए प्रॉपरली, राइट। सो 7,080 प्लस, फिर भी आपको 1,460 क्लासेस हो रही है, ये मिल रही है आपको 11,111 रुपये। जी मैम, थैंक यू राहुल सर। जी। सूर्य वीक है, स्ट्रॉन्ग करिए। सूर्य को जनरल रेमेडीज कुछ बता रही हूं, फिर हम हाउस वाइज भी बात करेंगे। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। कैसे देंगे?
नॉर्मल रख के देना है। आप तांबे के लोटे में जल डालें, उसमें आप गुड़ डाल सकते हैं, चढ़ा दें। पर स्टार्ट आप हमेशा करें शुक्ल पक्ष के रविवार से। जी संदीप सर भी आए हैं मेरे पास, क्या बात है। जी 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 प्लीज सर। जय गुरु जी संदीप सर। जय गुरु जी राहुल भाई, जय गुरु जी अनामिका मैम, कैसे हैं आप? जय गुरु बहुत जी मैम जी। जय बढ़िया सर, आपका और गुरु जी का आशीर्वाद। सब गुरु गुरु जी का आशीर्वाद मैम, राहुल भाई का सपोर्ट, आप जय गुरु दोनों जी, के जय गुरु सदैव जी, रहते जय हैं। संदीप सर, गुरु जी जय गुरु जी जय सर। गुरु जी जय गुरु जी जी राहुल भाई जय जी, गुरु। अनामिका आज आप बस क्लास नहीं थी सर गुरु जी? अच्छा बस थोड़ी देर में डियर, और 7 5 7 मिनट में चलो बहुत बढ़िया किया सर, आप आए। मैं जी डियर। बस कंसंट्रेशन बिजी होंगे, मैं शायद सोच पूछा था आप बिजी होंगे, मैं बोलता। वो 7 बजे ही खत्म हुई, फिर 7:30 बजे क्लास होती है, 7:25 में स्टार्ट होती है। जी सर। जी अनामिका मैम, क्या क्लास लेके आ रही हो? सर 750 श्योर शॉट प्रिडिक्शन और 750 ही रेमेडीज। क्या बात है, 750 रेमेडीज। सर ये क्लास पहले भी पढ़ाई थी अपन लोगों, पहले भी पढ़ा चुके हैं दो बार। लाइफ जी सर। पहले क्यों नहीं मिले आप? हम भी दुनिया को रेमेडी बांट देते, हमारे पास वो रेमेडीज ही नहीं है। सर आप खुद ही रेमेडी हो, जो आपसे मिले, जो आपको देख ले, वैसे ही गुरु जी का आशीर्वाद आ गया। जी, पर एक्चुअली हमारे साथ न्यूमरोलॉजी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास बहुत गिनी चुनी रेमेडी है। जी सर, न्यूमरोलॉजी का जो सोल्यूशन है वो नेम के स्पेलिंग का ही है, तो जरूर सब बच्चों को ये सीखना चाहिए। रेमेडी क्लास आ रही है, 750 रेमेडीज, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो 750 रेमेडीज नहीं है खाली, है दो क्लास फिर हैं, 750 रेमेडीज और 750 शॉर्ट शॉर्ट प्रिडिक्शन। अगर चंद्रमा मून साथ में है तो क्या होगा, राइट? ओके, चंद्रमा राहु साथ में तो क्या होगा? 750 योग होंगे जो आपकी कुंडली में आते हैं। 2.25 लाख योग होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जैसे आप जानते हैं। हाँ, ₹2,00,000। तो उसके अंदर से 750 जो टॉप मोस्ट योग होते हैं उनको एक संकलन करके हम लोग स्नैपशॉट, जिसको देखते ही ये बात कह सकते हो ये घटना घटी। हमने पिछला वेबिनार किया था अनामिका मैम ने, और वो जी यहाँ पे हुआ था, जैसे जैसे हुआ मैम ने बताया वैसी वैसी घटनाएं यहाँ पे जी सबने एक्सेप्ट भी करी थी। तो बहुत जो बढ़िया, क्लासे हैं, और हर साल में 2 बार ही क्लासे आती हैं सर, इस बार दिवाली मौके में मैं लेके आया था क्लास, 3540 रुपये ऑफर की थी, सब बच्चों को 1 दिन का ऑफर पेमेंट दिया था संडे से, आज 2 दिन बढ़ा दिए थे मैंने ऊपर। दिवाली दिवाली का मौका है, अभी 3540 ही कर दो, सर बच्चों को 2 लाख लेने दो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीखेंगे तभी तो लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। आपने ज़रूर 11,111 कर दिया है, बट मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इसको वापस 3540 ही रहने दो अभी। मैडम से पूछ लो सर, मैं नहीं बोलता, मैडम करवा लो, मैडम करने वाली सर। जी जी अनामिका मैम, सर आपका जो आदेश। जी, क्या है ना कि दिवाली का मौका है, हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए कि इस विद्या से जुड़े, इसको समझे कि लाइफ में ये कितना बड़ा, कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुझे पहले आप ज़िंदगी में नहीं मिले, मुझे इस बात का रिग्रेट रहेगा, क्योंकि हमने जब सीखा 13 साल पहले तो इतनी रेमेडीज़ नहीं थी। आप जैसे भाई बहन मिलते रहे, तो जैसे जैसे रेमेडीज समझ में आई जो बिल्कुल न्यूमरोलॉजी के साथ अटैच हो सकती थी बिना किसी छल कपट के, क्योंकि कई बार एस्ट्रोलॉजी कुछ ऐसी रेमेडी बता देती है जो न्यूमरोलॉजी में साथ नहीं चल सकती, तो वहाँ पे फिर हमें वो स्पोर्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आप फिलहाल इसको 3540 ही करवा दो मैडम। जी 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 मैं करवा दूंगा जी जी सर। जी थैंक राहुल भाई, जी राहुल यू भाई। थैंक यू। सर एस्ट्रोलॉजी में मैंने कुछ योग जो एस्ट्रोलॉजी के हैं उनको न्यूमरोलॉजी के अंकों के साथ लगाए, वो भी एग्जैक्ट जा रहे हैं। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया, मैं भी कोशिश करूंगा दिवाली खत्म हो तो मैं भी क्लास को ज्वाइन करूं फिर। जी 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 सर, डन सर। सर शुरू करें क्लास आज का सेशन, क्यों मैम की 9 बजे फिर क्लास है सर। ठीक है ठीक डन है, सर। प्लीज प्लीज। सर मैं आपको स्क्रीन से ले लूँ साइड में सर। आगे मैं 1-2 मिनट बैठा हूँ, उसके बाद मैं चले जाऊंगा। जी सर जी सर। मैम आप शुरू करें। थैंक थैंक यू अनामिका मैम, थैंक यू अनामिका, थैंक यू सर। यू राहुल भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो जी। मैं पहले सूर्य पढ़ाने वाली थी, पर आज जब गुरु का आशीर्वाद मिला है तो गुरु के साथ, सूर्य के साथ गुरु भी आएंगे, गुरु की भी रेमेडीज मिलेंगी आपको। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी
चलिए शुरू करते हैं बृहस्पति से। जुपिटर को अच्छा करना है, कहीं पे भी बैठा हो, किसी भी घर में हो, किसी के भी साथ हो, चाहे राहु के साथ हो, चाहे केतु के साथ हो, चाहे शनि के साथ हो, किसी भी प्लेनेट के साथ बैठा हो। आप केसर का तिलक लगाना, फॉरहेड पे, जीभ पे और नेवल पे लगाना, डेली शुरू कर दो और रिजल्ट देखो, 1 महीने में आपको शानदार मिलने वाले हैं। सिंपल सा है, गुरु को आप बहुत अच्छे से साध सकते हो। इस गुरु के साथ अपने गुरु की भी हमेशा प्रशंसा करो, उनका आशीर्वाद लेते रहो, उनका साथ कभी मत छोड़ो। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखाए, है ना। इसलिए गुरु का साथ वो है जो भव सागर से पार लगा दे। महाभारत में, रामायण में, हम किसी भी महापुरुष की जीवनी उठा लो, चाहे हमारे कृष्णा जी की ले लो, राम जी की ले लो, उनके भी गुरु रहे हैं, बिना गुरु तो वो भी नहीं चले गए हैं, है ना। इसलिए कहा गया है कि गुरु के बिना आपको कोई तार नहीं सकता। ठीक है, तो जनरल रेमेडी बताई मैंने। अब जब बृहस्पति पहले घर में आ जाए, कुंडली के पहले घर में बृहस्पति हो, तो आपको क्या करना है। पहले घर में बृहस्पति आ गए भाई, आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है, जो आप अभी कोर्स सीख रहे हो उसका सर्टिफिकेट है, उसको गोल्डन फ्रेम में करके अपने घर की या अपने ऑफिस की ईस्ट डायरेक्शन में लगा दो, फिर देखो आप रिजल्ट। अच्छा, जिसका फर्स्ट हाउस में गुरु है, अच्छे गुरु की निशानी है कि आपके घर में सब डिग्री धारी होंगी, सबने अच्छी एजुकेशन ले रखी होगी। अगर फर्स्ट हाउस में गुरु है, किसी की एजुकेशन अच्छी नहीं है, दैट मीन्स आपका गुरु अच्छा नहीं है। ठीक है, कंफर्म। अब गुरु फर्स्ट हाउस वाले की हर 8वां साल, जैसे कि मैंने बताया था कि वो प्रॉब्लमेटिक रहता है जीवन का हर 8वां साल, जैसे 8, 16, 24, 32, इस टाइप से आगे आगे चलता रहता है, वो समस्यापूर्ण रहता है। गुरु के मंत्र का जाप हमेशा करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः। गुरु कहीं पे भी प्लेस्ड हो, आपको ये करना ही है। अपने कुल गुरु का, अपने कुल पुरोहित का हमेशा आशीर्वाद, उनकी कभी भी अवज्ञा ना करें, अवहेलना ना करें, उनकी बेइज्जती ना करें। नाभि पर केसर का तिलक दी बेस्ट है, फर्स्ट हाउस गुरु वाले के। ठीक है जी, अब हम चलते हैं गुरु सेकंड हाउस। गुरु सेकंड हाउस वाले को मीठा खाना बड़ा पसंद होता है, पैसा भी अच्छा होता है इनके पास, फैमिली भी है, मान सम्मान भी होता है। अब गुरु सेकंड हाउस वाले क्या उपाय करेंगे, इनको कभी किसी से कोई भी चीज फ्री में नहीं लेनी है, फ्री में ये कभी कोई चीज नहीं लेंगे। बाकी ये जितना दान जप पुण्य करेंगे, इनको गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन होती है गुरु की सेकेंड हाउस में। आपके घर में जो भी गेस्ट आए उनकी बहुत अच्छे से सेवा करें, होस्टिंग अच्छे से करें, केसर का तिलक लगाएं। जिनका भी गुरु सेकेंड हाउस में है, अपने घर में थोड़ी सी कच्ची जगह रखें। अब हम फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना, तो फ्लावर पॉट जरूर रखें, मिट्टी वाले, ओरिजिनल मिट्टी वाले गमले जरूर रखें। गमले जरूर 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 रखें, क्योंकि शुक्र आपके घर में होना जरूरी है।
फिर आता है गुरु थर्ड हाउस। मैं सिंपल से एक बात बोलूंगी गुरु थर्ड हाउस वालों को, गुरु थर्ड हाउस में अच्छा है, खराब नहीं है। ये लोग जिनका भी गुरु थर्ड हाउस में है ना, ये लोग बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, विद ऑनेस्टी होते हैं। इनके काम में परेशानियां जरूर आती है, पर ये अगर ये माँ दुर्गा की पूजा करना शुरू कर दें तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। माता रानी इनके लिए ऐसे खुशियों के, सफलताओं के द्वार खोल देती है ना, कि जिन इन्होंने जीवन में नहीं सोचा होगा। आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, आप चाहें दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप चाहें दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और कुछ नहीं, आप चाहें तो ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप कर सकते हैं। बहुत इजीली है, एक माला जाप कर ही सकते हैं ना थर्ड हाउस गुरु वाले। आप देखिए उसके बाद कैसे सक्सेस के द्वार खुलते हैं आपके लिए। और इनके लिए एक छोटा सा उपाय है कि इनको नॉनवेज से, अल्कोहल से दूर रहना है। जब भी कोई बड़ी डील करे, कोई बड़ा काम करे, छोटी कन्याओं को गिफ्ट जरूर दें, अवश्य दें, है ना, इससे पीछे ना हटे, उन्हें गिफ्ट जरूर दें आप। गुरु फोर्थ हाउस बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन गुरु की, सब कुछ सुख शांति गुरु। इनके लिए भाई एक ही चीज है कि अपने घर में आए हुए बड़ों का, कुल पुरोहितों का मान सम्मान करें, सेवा करें, है ना। गुरु है, गुरु अपने स्थान पे आ गया है, नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहें। और अपनी बॉडी को जितना ज्यादा हो सके कवर करके रहें। गुरु फिफ्थ हाउस, गुरु फिफ्थ हाउस वाले अपने बच्चों के लिए खुद भी बहुत करते हैं, और इनके बच्चे भी बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सिंसियर बच्चे होते हैं, इनका मान सम्मान बढ़ाने वाले होते हैं। और ये नेटिव खुद भी, जिनका भी गुरु फिफ्थ हाउस में है ना, नेटिव खुद भी अपना बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है उसके बाद बहुत ग्रोथ करते हैं, वो बहुत शानदार ग्रोथ करेंगे। अब फिफ्थ हाउस गुरु वालों की क्या रेमेडीज है? गणेश जी की पूजा करें, हमेशा ऑनेस्ट रहें, कोशिश करें कि वीक में एक डे अपना फिक्स कर लें और उस दिन मंदिर जरूर जाएं, और कुछ ना कर सकें तो वहां की सीढ़ियों की सफाई या किसी भी तरह की कोई भी सेवा दें। मंदिर में थोड़ा सा सेवा देना स्टार्ट कर दें, समय देना शुरू कर दें, जैसे गुरुद्वारे में होते हैं ना जोड़े की सेवा, लंगर की सेवा, उस टाइप की कोई भी सेवा आप दे सकते हैं, वो दे ही दे। इससे देखो आपका गुरु कितना शानदार हो जाता है। फिर आता है गुरु हमारे सिक्स्थ हाउस में। गुरु सिक्स्थ हाउस वाले को बिजनेस नहीं करना चाहिए, गुरु सिक्स हाउस वाले को बिजनेस नहीं करना चाहिए। गुरु जिसका भी सिक्स हाउस में है, गुरु से रिलेटेड कोई ना कोई चीज हमेशा अपने पास रखे। केसर है, हल्दी है, सोना तो भाई अभी बड़ा महंगा हो गया है ना, फिर भी अगर सोना गोल्ड पहन के रखें या गोल्ड की गिन्नी अपने पास रखें, सिक्का छोटा, वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा इसी से चलो एक चीज और याद आई मुझे कि अगर आप अपना चंद्रमा और तू गुरु अच्छा करना चाहते हैं तो साल में एक बार सोना और चांदी सॉलिड फॉर्म में जरूर खरीदे, जेवर नहीं, जैसे स्क्वायर शेप होती है ना वैसे, या पीसेस किसी भी रूप में आप सोना और चांदी जरूर खरीदें।
हर साल खरीदें, इससे आपका गुरु और चंद्रमा दोनों बड़े अच्छे हो जाते हैं। गुरु छठे घर में है, पीपल के वृक्ष में जल जरूर दें। अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप चने की दाल 600 ग्राम 6 दिन तक मंदिर में दें। मैं यहाँ कहूंगी गुरुद्वारे में दें, क्योंकि वहां पे लंगर चलता रहता है तो काम आ जाती है। जुपिटर 7th हाउस, जुपिटर 7th हाउस वालों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। जुपिटर 7th हाउस वालों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। अब इनको क्या करना चाहिए आप देख लीजिए, किन किन का है 7th हाउस में गुरु। हैंड रेस करेंगे, 7th हाउस जुपिटर। अरे वाह, किसी का भी नहीं है, चलो बढ़िया। इनको कभी भी अपने कपड़े दान नहीं करने चाहिए। पहने हुए कपड़े, नए कपड़े नहीं देने चाहिए, किसी को भी नहीं देने चाहिए। जी सिमरन जी, हाँ जी, नमस्कार मैम। राधे 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 जी, 7th हाउस जुपिटर। राधे। हाँ जी मैम, एग्जैक्टली मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रही। अब मैं खुद इस लाइन में हूँ, तो कुछ उपाय किए या कुछ आई डोंट नो बेटर होगी। बट हाँ, 2.5 साल बहुत ज्यादा लंबे गए, सेपरेशन रही। और मैम ये मेरे को पूछना है कि अगर कपड़े भी, मैंने भी काफी सुना है नहीं दान करने चाहिए, फिर वो इतने कपड़े हो जाते हैं इसका क्या करें? कोई कहता है नमक के पानी से धो के डोनेट करो, तो मैं एनर्जी बता रही चले हूँ ना क्या जाती। करना चाहिए। हाँ अच्छे जी से वॉश कर लो कपड़े, प्रेस कर दो, जिसको भी दो। आप उसको पैसे बर्तन लेगा। वाली को दे सकते हैं, जैसे अपने आता है ना कि बर्तन कपड़े देके कुछ और बनवा लो या ले लो, वो ले सकते हैं। बट आई थिंक आप फॉरेन में हैं तो वो पॉसिबल है नहीं। वो पॉसिबल नहीं है मैम, मैं फॉरेन में नहीं हूँ, पर मैं गुड़गांव में हूँ, यहाँ पे तो कल्चर ही नहीं है वो। हाँ, वो कल्चर ही नहीं है। तो अगर आप किसी को देते हैं ना तो 2-5 रुपए ले लो, चलिए वही मैं यही करती हूँ, अपना किसी देख को। के बच्चों से भी मैं किसी को भी, जैसे मेड को देती रहती हूँ, तो उनसे 10 रुपए या 15 रुपए ले लेती हूँ फिर मैं। तो मैम ऐसे बच्चों से भी ऐसे डोनेट कर सकते हैं? नहीं, बच्चों के वैसे देखो, वैसे क्या होता है कि हमारे पहने हुए कपड़े होते हैं ना, तो उसमें हमारी एनर्जी होती है। उसको एनर्जी को उसको गरम नमक के पानी में डाल के उसको एकदम एनर्जी खत्म करके दे दो बस। राइट, ठीक है। तो मैम और ये आगे और अच्छा रहता रहे, दोबारा से डिस्टर्बेंस ना आए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसीलिए बोला है कि आपको ये कपड़े नहीं देने चाहिए, इस तरीके से दो। और ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी। ठीक है, तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब बता दिया इन्होंने, है ना। थैंक यू सिमरन जी कंफर्मेशन देने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जुपिटर 8th हाउस। 8th हाउस वाला जुपिटर है ना, फीमेल हो चाहे मेल हो, इनको अपने ससुराल में मान सम्मान मिलता है। इनको अपने ससुराल में मान सम्मान मिलता है। जुपिटर 8th हाउस ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा है। बट हाँ, इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है। ठीक है, अब जिनका भी 8th हाउस में है ना जुपिटर, उनको नारियल या जौ नदी में बहाना चाहिए या मंदिर में रखाएं। मैं कहूंगी माँ दुर्गा के मंदिर में नारियल रखाएं। जिनका भी 8th हाउस में जुपिटर है, उन्हें शमशान में पीपल का पेड़ लगवा देना चाहिए। जुपिटर 9th हाउस बहुत ही बढ़िया, भाग्य का साथ, बड़ों का साथ,
है ना, कुछ लोग होते हैं ना, हम कह देते हैं कि भैया ये तो सोने की कलम से अपना भाग्य लिखवा के आया है। तो जुपिटर 9th हाउस बहुत बढ़िया होता है। इनको क्या करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। अब हम वहां रह के कंटिन्यू गंगा स्नान तो कर नहीं सकते, ऑब्वियसली गंगा जी का जल ले आओ, पहले पूरा स्नान कर लो, आपको जैसे भी साबुन शैम्पू बॉडी वॉश जो भी लगाना है, उसके बाद बकेट खाली करके बकेट में पहले गंगा जल डालो, फिर नॉर्मल पानी डालो, फिर सिर से पैर तक वो पानी डालो, ये गंगा स्नान हो जाता है आपका। ठीक है जी, फिर एक बार जुपिटर 12 घर तक कर लेते हैं, फिर सबसे बात करते हैं। ठीक है, जुपिटर 10th हाउस, जुपिटर 10th हाउस में अच्छा नहीं है। इसका लॉजिक भी मैं बताती हूँ। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं और वहां पे जाप करने लग जाएं, पूजा पाठ करने लग जाएं, तो क्या प्रोफेशनली आप स्ट्रांग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जुपिटर 10th हाउस वाले की प्रोफेशनली डिस्टरबेंस चलता है। अब वो जो प्रोफेशनली डिस्टरबेंस है, उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? अपने फॉरहेड पर यहाँ पे 43 डेज तक कंटिन्यू केसर का तिलक लगाएं, डेली लगाएं, हमेशा लगाएं, लाइफ टाइम लगाएं तो दी बेस्ट है, बट 43 डेज तो कंटिन्यू करें ही करें। ठीक है जी, फिर आता है हमारा जुपिटर 11th हाउस, बहुत अच्छी पोजीशन है 11th हाउस और 12th हाउस दोनों ही। जुपिटर 11th हाउस वाला जितना परिवार में रहेगा उतनी ग्रोथ करेगा। जुपिटर 11th हाउस जितना परिवार में रहेगा उतनी ग्रोथ करेगा, जितना परिवार से दूर जाएगा डाउनफॉल आता जाएगा। इनको जैसे अपने हॉस्पिटल में वो मॉर्चरी होती है, वहां पे कभी कभी इन लोगों को कफन दान कर देने चाहिए। जुपिटर 12th हाउस बहुत अच्छा है। अगर इनको नींद में कोई प्रॉब्लम हो, नींद नहीं आ रही है, तो रेड कपड़े में सौंफ बांध के, है ना, पोटली बना लें, ग्रीन वाली सौंफ, मीठी नहीं फीकी वाली सौंफ, उसको पोटली बना के अपने सिरहाने रख के, तकिए के नीचे रख के सोए, बहुत अच्छी नींद आती है। दूसरा ये है कि केसर का तिलक तो इन्हें डेली लगाना ही है, और 12th हाउस जुपिटर वाले को कभी भी किसी भी तरह के मोतियों की शेप वाली माला नहीं पहननी चाहिए, मनकों की माला नहीं पहननी। ठीक है जी, एक बार मैं सबसे बात कर लेती हूँ। ये हमारा जुपिटर 12 घर हो गया जी जी। भर जी जी राहुल सर, ऑप्शन लेने में हाँ जी ठीक है जी। गीता शाह मैम थैंक यू सर, राधे राधे मैम एंड सर। मेरा गुरु एक में है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है, और इस उसके साथ तो मंगल भाई मंगल है साथ। से भी नहीं बनती हो तू? नहीं बिल्कुल भी नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं मेरी बनती। तरफ से है लेकिन उनकी तरफ से नहीं हाँ नहीं रखता। 8th हाउस है। हाँ मंगल भाई वाला, भाई बहनों से इस बहन ससुराल वाले में किसी भी जेठ देवर कोई नहीं, सब खिलाफ है। हाँ स्ट्रगल है। मैंने एक लाइन बोली थी कि मान सम्मान मिलता है बट इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है। हाँ मान सम्मान बाहर वालों से मिल रहा है अभी 1-2 साल से, लेकिन घर वालों से तो उल्टा ही, जितना बाहर वाले हैं वही इतना ग्रो करते हैं ना नीचे, घर वाले उतना ही नीचे डालते कोई बात नहीं मैम, आप जुपिटर बैठ गया ना 8वें घर में तो ये स्ट्रगल देता ही है, पर जुपिटर की आप जैसे मैंने बताया ना चने की दाल, वो गुरुद्वारे देते रहे, हैं। हाँ वो कब देनी चाहिए? गुरुवार को देनी चाहिए, समय समय पे देते रहे। गुरुवार कितना? 800 ग्राम, 800 ग्राम दे दो मैम महीने में एक 800 ग्राम, बार। ओके ओके, महीने में एक बार 800 ग्राम दे दीजिए। थैंक ओके जी, यू। गुरुद्वारे में ही देनी चाहिए या फिर कहीं आसपास मंदिर किसी भी रिलीजियस प्लेस पे दे दो, पर गुरुद्वारा मैं इसलिए प्रिफर करती हूँ क्योंकि वहां पे लंगर चलता रहता है तो काम आ टोल्डर? हाँ वो डेली, ओके
थैंक यू मैम, ओके ओके जी सर। मैडम, ये जो सेवंथ हाउस में आपने बोला कपड़े दान नहीं करने हैं, चैरिटी में दे सकता है? सर चैरिटी भी तो दान ही है। नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि वहां जैसे चैरिटी में दे देते हैं, तो सेवंथ हाउस में ही है जुपिटर, तो वो बंद करा दें या नहीं? चैरिटी नहीं सर, में तो ये होता है कि बॉक्स में गए और डाल दिया, धोखे दे दिए, सब कुछ कर लिया, नहीं मतलब बंद कर, देंगे सर इसका, नहीं मतलब आप देगा? खुद नोटिस कर लीजिए, जब जब कपड़े जाते हैं तब तब प्रॉब्लम आती है आपके पास। अच्छा, और घर में एक दूसरे के पहन सकते हैं? ठीक है, हम पहनते हैं, बट वैसे तो मना ही होता है कि एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। किसी भी हाउस में जुपिटर कहीं पे भी हो, मेडिकली भी मना किया जाता है कि कपड़े एक्सचेंज नहीं करने चाहिए। नहीं, जैसे आफ्टर वॉश जैसे एक साइज होता है घर में, तो बंदे पहन ही लेते हैं। वो पहनते हैं सर, हम लोग सभी पहनते हैं, बाकी तो नहीं पहनना चाहिए, मेडिकली भी मना किया जाता है और एस्ट्रोलॉजिकली भी मना किया जनरली नहीं पहनने चाहिए, तो ऐसा इशू नहीं है वैसे। वैसे हाइजीनिक है वो, तो वो प्रॉब्लम नहीं है ना वैसे। जी 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 मतलब दान नहीं करे, मेन तो ये हो हाँ, गया। दान नहीं करना चाहिए जी अगर दान करना है, पैसे दे ले, ले उससे भी पैसे दे दे, चाहे कुछ भी दे जी दे। जी 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 जैसे परफ्यूम वगैरह भी कहते हैं कि गुरु परफ्यूम वगैरह नहीं देना चाहिए, पैसे लेके करो, वो किसके लिए होता है? वो शुक्र का होता है सर। आप अच्छा, हाँ, वो शुक्र का हुआ था। अच्छा, वो भी पेमेंट दे के कौन बोल रहे हैं होता सर मेरे को? आप दिख नहीं रहे हैं, है ना? आप आपका नाम क्या है सर? मैं मेरे को आप शो नहीं हो रहे हैं, कौन बोल रहा है? हरीश मिगलानी, वैसे तो क्लास में हूँ मैं, जी 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 उसमें। ठीक है सर, हाँ फिर क्लास में बात करते हैं ना सर सारी। हाँ ठीक ओके है, गीता ठीक है। जी, आपका क्वेश्चन हो गया, प्लीज डाउन कर लें, हैंड हैंड डाउन कर लें गीता जी, एक बार हो गया फिर बात करेंगे। हरीश जी आप भी कर लें जी। वंदन जी हाँ, मेरा 9th में गुरु है, तो मुझे ये पूछना, जैसे आपने कहा ना गंगा स्नान करना है, तो क्या मतलब डेली की, वीकली की, मंथली? गंगा जल, इसीलिए मैंने बोला कि डेली नहीं जा सकते हम गंगा स्नान करने, तो गंगा जल अपने पास रखें और डेली स्नान करें। ओके हाँ हाँ जी वो गंगा जल से भी डेली करना है क्या, 300 दिन? जी अच्छा, तो दिन तक और करना। एक आपने, हाँ, और एक आपने कहा था ना कि कौन सा था, क्वेश्चंस प्लीज नोट डाउन रखें जो पूछने। ठीक है, अभी तो याद नहीं आता क्या ओके पूछना। जी हैंड डाउन कर लें प्लीज जी। पल्लवी जी जी मैम, नमस्ते मैम। मैम जी राधे मेरा दो तीन सवाल था मैम। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी आप उपाय अभी बताए हैं मैम, वो उसका दशा चलता है हैंड तभी रेज करना। करें, हैंड रेज करें, मुझे शो नहीं हो रहे हैं आप। मैम सुन रहे मैम, मैं बात कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आपको हैंड रेज करें, आपने हैंड डाउन कर लिया जी। हाँ बोलिए पल्लवी जी। जी मैम, मेरे क्वेश्चन ये था मैम, जो भी आप अभी रविनी बोले हैं, ऐसे न्यूट्रली ऐसे ही करना है क्या, कुछ उसके दशा आते हैं तब भी करना है मैम? फर्स्ट क्वेश्चन। मैडम मैं तो ये बोलूंगी कि दशा देख के करना चाहिए, अगर दशा देखनी आती है, क्योंकि जब बैट्समैन ओके बैटिंग करने आएगा तभी चौके छक्के लगाएगा ना। जी मैम, सही है। ओके नहीं मैम, कुछ लोग बोलते दशा में ही करना है, इसलिए मैं पूछी मैम, ऐसे ही करे तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी और मैम, और एक क्वेश्चन, 12th हाउस का कुछ मोदी का माला नहीं पहनना है, जैसे कि कृष्ण माला, रुद्राक्ष, ऐसा कुछ भी नहीं पहनना नहीं नहीं पहनना उनको, नहीं पहनना, मन को की माला नहीं पहननी किसी भी तरह के मन के। ओके जी है? ओके, रुद्राक्ष भी नहीं आते मैम? मैम, शेप तो मन को की आ गई ना, मोतियों की शेप आ गई बस। हाँ मैम, और एक क्वेश्चन था मैम मेरा, अब 600 ग्राम चने के दाना डोनेट करना बोले ना मैम टेम्पल में, हाँ यही वन हाँ करना है क्या मैम, कब करना है मैम? मैम गुरुवार से शुरू करो, 6 दिन कंटिन्यू दे दो। एक दिन के बाद फिर एक ही टाइम देना मैम, लाइफ टाइम में, वो पूछ रही हूँ। जब जब आपको समस्या लगने लगे कि गुरु से रिलेटेड समस्या दे दो। ओके मैम, और लास्ट क्वेश्चन मैम, आप सिक्स वाले बिजनेस नहीं करना बिल्कुल बोले थे ना मैम, आप पूरा कुंडली देख कर पता चलेगा कहीं सिर्फ सिक्स गुरु रहे तो वो नहीं करना है? कुंडली देख के होता है, पर 6th हाउस में गुरु है तो नहीं करना चाहिए उनको, बिजनेस जॉब बढ़िया रहती है इन लोगों के लिए। ठीक है पल्लवी जी, ओके मैम, ओके हैंड ओके ओके मैम, ओके थैंक यू। डाउन कर लें प्लीज जी। सुनीता जी, सुनीता जी अनम्यूट करें फास्ट। जय जिनेंद्र मैम, राधे राधे जी।
मैम मेरा गुरु 9th हाउस में है, लेकिन लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही लाइफ। मैम मैंने अभी जो क्वेश्चंस बताए, आप जो मैंने बताया है आप वो उपाय करिए, स्ट्रगल चल रहा है, मैंने इसीलिए उपाय भी बताया है ना। आपका जुपिटर अच्छा नहीं होगा, इसलिए वहां पे जुपिटर 9th हाउस में होना ही अच्छा नहीं है। वहां पे राशि भी देखनी पड़ती है, 10 नंबर राशि में है, 3 नंबर राशि में है, या किस नंबर राशि में है ना, तो वो अच्छा अच्छा नहीं होगा वहां पे। इसलिए आप जुपिटर 9th हाउस का जो मैंने उपाय लिखाया है प्लीज वो करें, है ना। वेलकम थैंक यू मैम। जी, नीचे कर ले, डाउन कर ले हैंड जी। कौशल जी, जी दिल मैम, के मेरा जुपिटर पांचवे में। हाँ जी जी कौशल जी बोलिए प्लीज। हाँ मैम नमस्कार। मेरा जुपिटर पांचवे हाउस में है, तो थोड़ा आप बताएंगे क्योंकि मैं सुन नहीं पाया सही ढंग से। सर रिकॉर्डिंग आ जाएगी, प्लीज वो सुनिए, और उपाय मैंने दे रखे हैं, है ना। एक बार मैम बता दें तो अच्छा रहेगा। पॉसिबल नहीं है ना मैं वापस वापस रिपीट करूँ, अभी मेरे पास मेरी 9 बजे वापस क्लास है, मैं क्लास भी लेनी है मुझे, और इधर मुझे क्वेश्चंस भी लेना है ना जी। आप रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, अच्छा रिकॉर्डिंग देखिए 5th हाउस का जुपिटर, वैसे मैंने बताया कि अच्छा होता है, बच्चे होने के बाद इंसान ग्रोथ करता है, उसे मंदिर की सीढ़ियों की सफाई जरूर करनी चाहिए, या किसी भी मंदिर जाके, किसी भी धर्म स्थान जाके वहां की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो जी ठीक ठीक ओके। हैंड डाउन कर लें प्लीज जी। सिमरन जी बोलिए, कैमरा ऑन करिए सिमरन जी, फास्ट बोलिए प्लीज। जिनके क्वेश्चन हो जाएं प्लीज हैंड डाउन करें, और जिनके मैम कैमरा के क्वेश्चंस नहीं हो। मेरा एक क्वेश्चन था कि 7th हाउस जिनका गुरु होता है, हम केसर का तिलक लगा सकते हैं जुबान, नाभि और लगा फोरहेड पे सकते, लगा सकते एवरीडे? एवरीडे। जैसे मैं दूध, कच्चे दूध का लगाती हूँ बिकॉज ऑफ मून, तो मैं मतलब कुछ समय के बाद ये भी केसर का लगा लगा सकती सकते हैं, हूँ, कोई इशू नहीं, लगा और जिनका जुपिटर सेकंड में है वो भी लगा सकते हैं। सकते, ये ये नॉर्मल किसी है, जुपिटर की कोई भी कर सकता है कोई भी घर में हो वो कर सकते हैं। ठीक जी। है मैम, थैंक यू। ओके जी जी रमेश सर, सिमरन जी हैंड डाउन कर लें प्लीज जी। रमेश जी बोलिए प्लीज। सर ये 7th का रेमेडी कुछ नहीं बताया मैडम, ये सिर्फ कपड़े हाँ वाला ही बस, रेमेडी है क्या? हाँ, कपड़े वाला ये। ओके ठीक ओके जी, है। जिनके क्वेश्चन हो जाएं प्लीज हैंड डाउन कर लें जी। नीतू सिंगला जी अनम्यूट करें, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे प्लीज। ओके मैम, मेरे को ये पूछना था, जैसे 1st हाउस में जुपिटर हो पर उनका ना वो चाहते कि बेटा हो, वो नहीं हो रहा, फिर उसके लिए क्या सही रहेगा करना? सॉरी सॉरी सॉरी, पहले तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे नहीं लूंगी, और दूसरा ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस आप सिर्फ एक प्लेनेटरी पोजीशन देख के नहीं दिए जाते। ओके एक मैम मेरे को अपना ही बता दो पर्सनली, मेरा ना 10th हाउस में जुपिटर है, 8th नंबर राशि है, पर वो ना करियर में ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी। वो तो मैंने बता दिया ना कि 10th हाउस में जुपिटर आएगा, वो करियर ग्रोथ देगा ही नहीं, उसके उपाय भी बता दिए जी मैंने। अगर आप लेट आए तो रिकॉर्डिंग देखें प्लीज। मैम उसके साथ चंद्रमा भी नीच का बैठा हुआ है, 8 नंबर राशि है ना। मैम देखो अभी मैं पर्सनल नहीं ले पाऊंगी, सॉरी, ओके है ना क्योंकि जी। ओके जी, बाकी मेरे जुपिटर कहने का मतलब, मेरे कहने का जुपिटर मतलब 10th हाउस है, का आपको उपाय करें प्लीज, है ना अच्छा जी उसी से फर्क पड़ जाएगा। जी। ओके मैम राधे थैंक यू। राधे, ओके जी 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 गीता जी, राधे राधे। मैम 11th हाउस में गुरु और शुक्र हैं। गीता जी अभी पर्सनल नहीं चलेंगे जी, जो 11th हाउस का मैंने बताया है हाँ उपाय वो करो। जी जी नहीं, मैं ये पूछना चाहती थी, शुक्र के हम वो वाले बैड वाली इफेक्ट देखेंगे, जो शुक्र की चीजें उनसे प्रॉब्लम होगी। नहीं होता जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी, हैंड डाउन कर लें प्लीज जिनका भी हो गया है। ये पर्दे के पीछे वालों को तो मैं नहीं ले रही हूं जी। मिंक सर, राधे राधे मैम। राधे राधे। गुरु मेरा 3rd हाउस में है, पर लास्ट 6 मंथ्स में बड़ा फाइनेंशियली लॉस भी चल रहा है, और मतलब माता रानी आपने को तो बोला पकड़ लो सर, माता रानी का पल्ला पकड़ लो, छोड़ो मत। दुर्गा कवच करता हूँ मैम, तो दुर्गा कवच भी ठीक है या फिर दुर्गा दुर्गा सप्तशती कवच करूँ? अच्छा है, पर मैं इसके साथ आपको कहूंगी कि आप सिद्ध कुंजी का करो, या दुर्गा चालीसा का जरूर करो, ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। और अपने बर्थडे पे हो सके तो भले ही साइज छोटी हो, छत्र चढ़ाना शुरू कर दो माता जी को। ठीक है मैम, थैंक यू मैम।
जी लीना जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा जुपिटर जो है वो 12th हाउस में है, तो उसमें मुझे ये पूछना था कि गोल्ड पहन सकते हैं क्या? पहन सकते हैं जी, तो वो 12th हाउस का एट्रीब्यूट एक ये भी रहता है ना कि हम लोग के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो वो ऐसा तो तो कुछ है। नहीं हो? ठीक, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। वेलकम। थैंक यू। जी वंदना यादव जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मुझे पूछना था कि जुपिटर 7 आपने बोला कि कपड़े दान नहीं करना है, तो जी ऑलरेडी अगर सपोज किसी ने दे दिया है और अब दे आपने दिया जैसे तो अब कहा पास में जाके हमारे प्रॉब्लम, पास वो मशीन तो है नहीं, टाइम मशीन के हम बदल सके, है ना। जैसे अब आगे प्रॉब्लम तो है तो फिर उसके लिए कुछ कर सकते हैं? आगे आगे मत दो, आगे दो तो उसको कुछ एनर्जी एक्सचेंज लेके दो, वरना दूसरी चीज में यूज करो उसको। ठीक है जी, ओके ओके जी। जी गुरमान सिंह जी, राधे 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 सर। जी। जो अपना होता है गूगल में आती है ना, जहां से कुंडली देखते हैं वहां पे गोचर देखना होता है ना, फिर पता चलेगा नहीं, लगन चार्ट, लड़का। लगन चार्ट, ये लगन चार्ट का है। गोचर भी अच्छा, देखेंगे हम कि अभी हमें कौन सा प्लेनेट परेशान है। चंदर चंदर नहीं देखना है, लगन देखना है। वहां पे जी, चंदर एक पे लिखा होता है, एक पे लगन लिखा होता है। लगन लगन देखना है जी। ठीक है, और चंदर के हिसाब से तो मेरा आ रहा था 12वें, तो मैं नहीं, उन्हें वो डालना था, लगन सिरनी देखना है डालना सर, है ना, लगन लगन देखना है लगन जी। देखे। ठीक है, मैं टैली कर लूंगा। थैंक यू, थैंक एक चीज रखिए प्लीज, थैंक यू। जी एक मैम, एक प्लेनेट की और सर रेमेडीज पढ़ लें जी। बिल्कुल पढ़ लो मैम, क्वेश्चन तो कभी खत्म होंगे नहीं। आज पढ़ लो पहले थोड़ा, फिर क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे, राइट? जी सर, चलिए, एक सूर्य चीज और नमस्कार बता दो, जैसे संदीप सर ने और अनामिका मैम ने आपकी क्लासेस कर दी हैं, तो उसका पोस्टर मैंने चेंज करवा दिया है, राइट? तो ये क्लासेस हो गई 3540 रुपये की वापस, 7,080 प्लस 7,000, 14,160, 3540 रुपये की है, 750 रेमेडी, 750 प्रिडिक्शन स्नैपशॉट। ठीक जी। है, तो स्नैपशॉट रहेगा इस क्लास का नाम, तो वो आपका स्वागत है सेशन में। 3540 में दो बैच है, 5 और 9, जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनके लिए भी थैंक यू, और जो लेना चाह रहे हैं ले लो, क्योंकि ये क्लासेस अगली बार इस रेट में नहीं मिलेंगी, दिवाली का ही बम्पर ऑफर है जी। ओके जी, जैसे कि बात हुई थी कि सूर्य ही पढ़ाने वाली थी, पर गुरुदेव आ गए इसलिए गुरु पढ़ाया, और अब हम चलते हैं सूर्य प्लैनेट पे। तो रेडी विद योर पेपर पेन, लिखना स्टार्ट करिए प्लीज। सूर्य फर्स्ट हाउस में है, सूर्य फर्स्ट हाउस देख लीजिए। बंदा बड़ा एटीट्यूड वाला भी होगा, है ना, राजा है वो, डिसिप्लिन मांगता है वो, डिसिप्लिन चाहिए सब सब में उसको, और गलती करने पे छोड़ता भी नहीं है, लीडरशिप पावर भी उसमें रहती है। अब सूर्य फर्स्ट हाउस में है, फिर भी अगर कोई रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, या सूर्य फर्स्ट हाउस में है उसके रिजल्ट बहुत अच्छा चाहते हैं, तो नॉनवेज और अल्कोहल से तो दूर रहे ही रहे। तो हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई एक जना गुड़ खाना भी छोड़ दे, हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई एक जना गुड़ खाना छोड़ दे। क्यों छोड़ दें? क्योंकि फर्स्ट हाउस में सूर्य है, सातवां घर शुक्र का है, जहां पे वो शुक्र को देखता है, तो वाइफ को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और पैसे पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है फाइनेंशियल, इसलिए गुड़ खाना छोड़ दें। सूर्य सेकंड हाउस, जैसे ही हमने क्लास में बात किया था कि इनको खाना गर्मा गर्म बड़ा पसंद आता है, तो इनको क्या करना चाहिए कि नारियल का तेल, सॉरी नारियल है, तेल है, बादाम है, उड़द या चने की दाल है, इन्हें ये धार्मिक स्थानों पे जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर में जरूर देना चाहिए। मुफ्त में किसी से कोई चीज ना लें,
सूर्य सेकंड हाउस में है, कैरेक्टर बड़ा अच्छा रखना, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस सूर्य वालों को, जितना कैरेक्टर अच्छा रहेगा ग्रोथ उतनी अच्छी रहेगी। सूर्य थर्ड हाउस, सूर्य थर्ड हाउस वालों के पास पैसा बहुत अच्छा आता है, शर्त एक ही है कि ये इंसान मेहनती होना चाहिए। अगर ये मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, कंटिन्यूअसली करता है, तो बहुत पैसा बनाएगा। ठीक है जी, एक बात और, इनके पड़ोसी कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाते, इनका पड़ोस कभी ग्रोथ नहीं कर पाता है। सूर्य थर्ड हाउस राजा बन जा बना देता है या कुबेर का खजाना दे देता है, तो सूर्य देव को संडे, वैसे तो मीठा डाल के ही जल चढ़ाएं सूर्य देव को, संडे का व्रत करना शुरू कर दें, माँ का आशीर्वाद लेकर जरूर निकलें। जब भी माँ का आशीर्वाद लेके जाएंगे, इनको रिजल्ट दी बेस्ट मिलेंगे। सूर्य फोर्थ हाउस, जिनका भी सूर्य फोर्थ हाउस में है ना, वो बच्चे फादर से ज्यादा, मदर से ज्यादा फादर से अटैच होते हैं, मदर से ज्यादा फादर से वो बच्चा अटैच होता है, जो भी नेटिव है वो अपने फादर से ज्यादा अटैच होते हैं। और इनकी मदर होती है ना, वो थोड़ी सी बोल्ड होती है, लीडर होती है, वो डरती नहीं है। फोर्थ हाउस सूर्य है, अगर ये गोल्ड पहनेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। नॉनवेज अल्कोहल से दूर रहना है। अपने बर्थडे पर चार ब्लाइंड लोगों को खाना जरूर खिलाएं। सूर्य फिफ्थ हाउस, इनकी ऐसी इच्छा रहती है कि मैं मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ कर दूं कि उनको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हो, बट ये बड़े स्ट्रिक्ट पिता होते हैं, माता पिता ये बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर इनके घर की किचन ईस्ट डायरेक्शन में है तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ईस्ट डायरेक्शन में किचन है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपना कमिटमेंट हमेशा जरूर पूरा करें, जैसे सलमान खान का वो मूवी का डायलॉग है ना, दबंग पिक्चर का, कि अगर मैं एक बार कमिटमेंट कर दूं किसी से तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं, है ना, तो अपना वादा हमेशा पूरा करें। जो भी आपके रीति रिवाज है उन्हें कभी भी बंद नहीं करना है। ठीक है, सूर्य सिक्स हाउस यहाँ अच्छा नहीं होता, बड़ा परेशान रहते हैं ये लोग। इनको चांदी की डिब्बी में छोटी सी, मतलब जैसी आपको अच्छी लगे वैसी चांदी की डिब्बी लो, उसमें गंगा जल भरो और अपने लॉकर में रखो, और हमेशा चेक करते रहो कि उसमें जल सूखे ना, वापस फिलअप करते रहो।
चींटियों को जरूर भोजन दे, वो कीड़ी नगरा सींचना जो अपन बोलते हैं ना, वो जरूर करें। और स्पेशली वो ब्राउन वाली चींटियां मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सूर्य 7th हाउस, सूर्य जिनका भी 7th हाउस में, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती, फाइनेंस वाइज ये प्रॉब्लम रहती है इनको। अब जिनका भी सूर्य 7वें घर में आ गया, मीठा खाकर यानी कि गुड़ खाकर पानी पीकर काम करें, जब भी काम पे जाएं अपने ऑफिस जाएं पहले गुड़ खा लें थोड़ा सा, फिर पानी पीकर जाएं। सूर्य जिनका भी 6th हाउस में है चेक कर लीजिएगा, इनको आंखों की तो प्रॉब्लम होती ही है, चश्मा इन लोगों को चढ़ता ही है, इनको हेडेक भी होता रहता है, बोन में भी प्रॉब्लम, मतलब हड्डियों में दर्द रहता है, हेडेक होगा, चश्मा लगा होगा, डिसीजन मेकिंग वीक होती है इनकी। सूर्य 6th हाउस वालों का बोला मैंने ना, सूर्य 8th हाउस वालों को भी यही प्रॉब्लम रहेगी। सूर्य जिनका 8th हाउस में है उनको साउथ एंट्री वाले मकान में कभी भी नहीं रहना चाहिए, साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना चाहिए, प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑनेस्ट रहें, जिनका भी 9th हाउस में सूर्य है देख लीजिए, जब वो बच्चा बॉर्न हुआ है उसके बाद उनके फादर ने ग्रोथ की है, एक लेवल अप हुआ है फादर का, 9th हाउस सूर्य वाले के पिता का। जिनका भी 9th हाउस में सूर्य है इनको कभी भी दूध चावल या चांदी का दान नहीं करना। हेलो ऑनेस्ट बने रहें, ऐसा कोई भी काम ना करें जो अनएथिकल हो, बंदरों को गुड़ खिलाएं, फिर आता है हमारा सूर्य 10th हाउस, प्रोफेशनली डिस्टर्ब करता है, ये नेटिव को भी करता है और नेटिव के फादर को भी करता है। जब भी घर से बाहर निकलें धूप में जाएं, सिर पे टोपी दुपट्टा रख के जाएं, नशे से दूर रहें, नॉनवेज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, काले नीले कपड़े इनको नहीं पहनने हैं, ब्लैक एंड ब्लू कलर अवॉइड करना है। सूर्य 11th हाउस, सूर्य 11th हाउस वालों को देख लो, जाते हैं हवन करने जला के हाथ आते हैं, करने जाएंगे भलाई चार बात सुन के ही आएंगे। इनको 11 मूली, अभी सर्दियां आ जाएगी, इनको 11 मूली पत्तों सहित पैक करके ही रख लें अपने सिरहाने, सिरहाने रखें और 11 दिन तक लगातार मूली का दान करें।
दान नहीं करना, सॉरी, गायों को भी खिला सकते हैं या धर्म स्थान में भी दे सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इससे अगर किसी का, किसी मेल का 11th हाउस में सूर्य है ना, तो उसकी वाइफ का जो स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है वो सही हो जाएगा। अच्छा 43 डेज तक ब्रह्मचर्य का पालन करें सूर्य 11th वाले। सूर्य 12th हाउस। सूर्य 12th हाउस वालों को मैंने जितना देखा है, इनको क्रेडिट नहीं मिलता, यश नहीं मिलता है। इनको भी भूरी चींटियां, जो लाल वाली चींटियां होती हैं, इनको त्रिचोली खिलाना है। त्रिचोली क्या होती है? चावल, यानी कि वो कण की आती है, वो सफेद तिल और देसी खांड मिक्स करके वो चींटियों को डाले। शादी के बाद कभी भी प्री में इलेक्ट्रिक आइटम ना ले, स्पेशली ससुराल वालों से भी नहीं ले, किसी से भी नहीं लेना है। राहुल सर कुछ क्वेश्चंस ले लें, फिर आगे मेरी भी क्लास है। राहुल सर जी, केशव जी बोलिए। मैम राधे राधे राधे। राधे, आपने 12 में माला का मना किया, गुरु जी ने मेरे को मंत्र देकर दीक्षा देकर धारण करवाया है, तो क्या मैं तो काफी टाइम से पहन रहा हूँ माला, नहीं, वो माला मत पहनो, आप मंदिर में रख लो उसको, और हाथ में भी नहीं, हाथ में पहन सकते हो, गले में मत पहनो। हाथ में पहन सकते रुद्राक्ष या कुछ भी। जी मैम, थैंक यू राधे राधे। जी नीरज जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे हो? मैम बहुत अच्छे हैं मैम, थैंक यू सो मच मैम। मतलब मैं आपसे बात करना चाह रहा था, राहुल सर से बात हुई थी उस रिगार्डिंग सर। मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे अगर जैसे 12th गुरु को आपने बोला कि वो माला नहीं धारण करनी, लेकिन अगर जैसे किसी दीक्षा में गए हैं और वहां से वो माला उन्होंने रुद्राक्ष दे दिया वो उन्होंने, और किसी ने वो धारण, जी मैम मंदिर में रखो और पूजा करो। हाँ, ओके ओके, अच्छा वो रुद्राक्ष मंदिर में रख सकते हैं इट इज, ओके ठीक है मैम। और जैसे मैम अगर गुरु और सूर्य मतलब अच्छा रिजल्ट ना दे रहे हो, मतलब अगर भाग्य स्थान पर बैठ के, तो मतलब जो जो आपने बताया जो उपाय बताएं वो करो, ओके उससे अच्छे हो जाएगा वो चीज, रिजल्ट मिलेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, जिनके क्वेश्चन हो जाए प्लीज हैंड डाउन कर लो। जी आराधना जी। हरे कृष्ण हरे जी राधा कृष्ण जी बोलिए। मैम, आप ये सब बता रहे हैं 7th हाउस या 1st हाउस, बट जिनको एस्ट्रोलॉजी का ये सब कुछ भी ना मालूम, तो हाउ विल बी पॉसिबल फॉर देम कि वो सब ये सीखे? इस कोर्स, ये कोर्स जब स्टार्ट होगा तो जितनी जरूरत है, यहाँ पे केशव जी बैठे हैं, है ना, अभी मुझे केशव जी और नीरज जी दिख रहे हैं, इनको पता है कि जिस कोर्स, जो कोर्स भी मैं पढ़ाती हूँ उसका बेसिक लेके चलती हूँ। जी मैम राइट, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, सैटरडे को भी हमने अनाउंस किया था कि 1-2 दिन में ही हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की फ्री क्लासेस आ रही है, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व आपकी? ठीक है, हरे हरे कृष्ण राधे राधे। ओके जी, हैंड डाउन कर लें प्लीज। वंदन जी का तो मैंने एक बार ले लिया था। जी प्रीति जी बोलिए। बोलो प्रीति जी, अनम्यूट करके फास्ट, मेरी आगे क्लास है भाई। चलिए छोड़िए, आपसे नहीं हो रहा अनम्यूट। सिमरन जी का हो गया था,
उदय कुमार जी बोलिए। अनम्यूट करो उदय कुमार जी। जी मैम मेरा कोई डाउट नहीं है मैम। हेनरेस था आपका इसलिए। अच्छा ओके जी, नो इशू, जी ठीक है। म्यूट कर लें प्लीज। जी मिलिंद जी, नमस्कार मैम। राधे 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 जी, बताइए। राधे, आपने जैसे एक्चुअली मुझे सवाल था अपना गुरु के बारे में, आपने जैसे बताया ना कि गुरु का 6th हाउस में रहेगा। नेटवर्क इशू। हेलो, आपका नेटवर्क इशू है सर। नहीं आनंद, नहीं आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए 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 हाँ, आपने जैसे बताया था, लेकिन मेरा गुरु और चंद्र और शुक्र साथ में है। सर। आज हमने जो पढ़ा है प्लीज कृपया करके उसी से रिलेटेड प्रश्न करें। हाँ नहीं, वही पूछ रहा हूँ। मेरा अपना जो आपने बताया ना, गुरु छठे हाउस में रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ, तो एक्चुअली मेरा गुरु छठे स्थान में है, लेकिन गुरु चंद्र और शुक्र साथ में है। सर, और मेरा चंद्र भी एक्चुअली छठे घर में ठीक ठीक है, शुक्र भी छठे घर में अच्छा नहीं होता है। तो आपको पता है कि बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में कितना क्या मिल रहा है आपको, यू नो, मतलब आप मेरे से हाँ, अच्छे से जानते हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर। वो तो मेरे को पूरी कुंडली देख के ही मैं बता सकती हूँ ना, सिर्फ एक प्लेनेटरी पोजीशन से मैं नहीं बता सकती। ओके ओके, ठीक ओके जी, है मैम, थैंक उसके लिए यू। राहुल सर से बात करिएगा, है ना। क्या कर रहे? मैं से राहुल बात सर कर से बात लीजिएगा करिए। 7159 30333 पे। जी मैम, जी सर, जी जी आगे ले लीजिए सर क्वेश्चन। सिमरन मैम जी। मेरे को एक चीज पता करनी थी कि जिनका स्थान 11th में है, आपने वो मूली वाला जो बोला पत्ते वाला, वो 11 दिन अपने सिरहाने ग्यारह रखते हैं। ग्यारह मूली 11 दिन तक। अच्छा, और हर रोज जो करनी है, तो हाँ रोज ही नहीं लेंगे ना, मतलब हर रोज 11 मूली लेकर आओ, वो रखो, अगले दिन वो धर्मस्थान पे दे दो, ऐसे 11 दिन करनी है। मैडम और 11 जिनका मूली सूर्य, मूली बढ़ा दे, मूली है ना, पूरे घर को मूली बढ़ा देगी हर 11 दिन क्या घर में रहेगी तो। मतलब करना इतनी बद है, इतनी इतनी स्मेल हो जाएगी घर के अंदर। इसीलिए बोला कि आप रोज लाएं, रोज चढ़ा के आ जाएं। हाँ वही कह रही हूँ ना, 11 दिन 11 मूली रोज लेके आनी है, अगले दिन चढ़ा देनी है, जब तक 11 दिन नहीं है, जी राइट। और मैम जिनका सूर्य अंदर गौतम है सेंस में, उनको भी प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आ सकती है, सर्वर गौतम। मैम, वो सारा एक देखा जाता है, बट मैंने अभी यहाँ पढ़ाया आपको, है ना। बट मैं एक्चुअली कितना जाना चाहती हूँ, उसमें थोड़ी सी बेटर पोजिशन आया है गौतम है तो। वर्गोत्तम में भी दिक्कत आ जाती है, वो कोई भी प्लेनेट किस राशि में बैठा है वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। जी बीए जी नमस्कार जी। जी महाराज जी। सर सर ये बृहस्पति अगर वक्री हो तो फिर उसका क्या रहेगा? सर, ये श्योर शॉर्ट रेमेडीज से कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक ठीक है जी। जी। आनंद जी, राधे हेलो, राधे राधे मैम। राधे हाँ जी, मैम, अगर 11वें में गुरु चंद्र और केतु साथ में हो तो क्या दिक्कत रहती है? अभी हमने आज सिर्फ गुरु पढ़ा है तो गुरु के उपाय करो। गुरु चंद्र और केतु है तो फाइनेंशियल और एंजाइटी इशू कंटिन्यू बने रहते हैं। ऐसा है, उसके लिए कोई रेमेडी मैं माफी चाहूंगी, पर्सनल नहीं दे पाऊंगी आज, उसके है? ओके लिए ठीक कंसल्टेशन वेबिनार लाएंगे, उसमें करते हैं जी। है, ओके जी। लीना जी, राधे जी सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे जी, मैम एक तो पूछना था कि एक कुंडली में 10th हाउस में गुरु भी है एंड 7th हाउस में सूर्य भी है, दोनों ही बहुत ही नेगेटिव है, तो दोनों ही बहुत नेगेटिव है, तो बंदे की लाइफ में दोनों नेगेटिव चीजें चल रही है। दोनों क्या करना चाहिए मैम? के उपाय बता दिए हैं, वो करा दो। और उसमें तो मतलब सिंपल आपने बताया, गुड़ खाकर घर से निकले सूर्य के लिए, एंड उसके गुरु के लिए आपने बताया कि फोरहेड पर तिलक लगाए, तो दैट जी विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। मैम, वो बड़ी, देखो मैंने क्या बोला, सॉल्व नहीं करेगा तो कम से कम बढ़ने नहीं देगा। बढ़ने नहीं देगा। और बाकी तो मैडम बिना कुंडली देखे मैं कैसे बता सकती हूँ, बाकी भी तो ग्रह काम कर रहे हैं मैडम। राशियां काम जी। करेगी, नक्षत्र काम करेंगे। और मैम अगर ये बच्चों की कुंडली में देखे तो क्या करना चाहिए? तो बारह बचपन से साल ही करना चाहिए? के छोटे बच्चे की मत देखो कुंडली। तो नहीं, 12 साल के नहीं, बच्चे बड़े हैं, टीनेज हो ये तो नॉर्मल नॉर्मल ये वाले दोनों उपाय कराओ। हाँ ये करा सकते हैं ना बिल्कुल
मतलब अभी चाइल्डहुड से ही, मतलब टीनेज से ही स्टार्ट कर दे तो दैट विल इफेक्ट बेटर साइड ऑन देयर लाइफ। जी। मैम ये गुरु वक्री होने से गुरु को उसी घर में देखेंगे, उसी का उपाय करेंगे, मतलब गुरु फर्स्ट हाउस में है। उपाय वही का होगा जहां पे प्लेस्ड है। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। आप हैं राहुल सर? जी 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 मैं हूँ यहाँ पे। जी सर बोलिए। 1 2 3 4 5 6 सर अनम्यूट हो, हाँ छोड़ो आप हाँ सुन। मैडम, गुरु चौथे भाव में गुरु के साथ केतु है, चौथे भाव। गुरु के साथ केतु है, पैसा आता भी है, सब है, फिर भी कहीं ना कहीं बिना बात की टेंशन लगी रहती हाँ उपाय है। गुरु का उपाय बताया है सर, वो करिए प्लीज मैं थोड़ा लेट आया मैडम। सर। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, आप वो देखिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी राधे राधे। जी विनोरमा जी। हाँ हेलो, राधे राधे मैम, राधे 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 सर। राधे विनोरमा जी, राधे कैसे राधे हैं? जी। मैम मेरा क्वेश्चन एक था कि अगर 9th हाउस में कोई प्लेनेट बकरी है और 8th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो उसे हम तो उसके रिजल्ट, जैसे 9th हाउस में कोई प्लेनेट बकरी है और 8th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो जो 9th हाउस का प्लेनेट है उसके रिजल्ट को हम 8th हाउस में मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखो वो डिपेंड कर रहा है आप किस मॉडलिटी से देख रहे हो कुंडली, जी ठीक है? ओके अगर आप लाल किताब से देख रहे हैं तो आप उसको 8th हाउस में नहीं मानेंगे। जी अगर आप BNN से देख रहे हैं तो 50% रिजल्ट वो 8th हाउस का भी देगा। अगर वैदिक से देख रहे हैं तो वो ज्यूपिटर लॉर्ड किस किस का है वहां पे कनेक्शन, ओके मैम ठीक है? जी मैम क्लियर आंसर? ओके मैम थैंक यू मैम। वेलकम जी। वैसे मैम मैंने ये वाला कोर्स आपसे पहले कर चुकी हूँ, तो कुछ उसमें रेमेडीज डिफरेंट नहीं थी। होगा? हाँ उससे उसमें रेमेडीज नहीं थी, जो हाँ पुराने स्टूडेंट है रेमेडीज। वो राहुल सर से बात कर लेंगे, ठीक ओके है जी? ओके जी। प्रीति मैम, विनोदमा जी फोन कर लेना मुझे। हेलो मैम, राधे जी राधे राधे राधे। मैम। मेरा ना 8 हाउस में, लग्न चार्ट में 8 हाउस में जुपिटर है, साथ में चंद्रमा है। मैडम अभी मैंने आज जुपिटर के उपाय बताए हैं, तो आप 8th हाउस जुपिटर वाले उपाय करें प्लीज, ठीक है? ओके जी, हैंड डाउन कर लें प्लीज जिनके भी मैडम क्वेश्चन हैं, मैडम आप क्वेश्चन लो। ठीक है जी। जी रितिका जी, नमस्ते मैम। राधे राधे जी। हाँ मैम 11th हाउस में सन के साथ बुध अस्त है, तो उसके लिए कुछ बुध की जब रेमेडीज करेंगे तो बुध की आ जाएगी, आज हमने सूर्य और मैम गुरु की किया। रितिका थोड़ा सा बता दीजिए अपनी। जी देखो मेरे लिए सब समान है यहाँ पे, मैम है ना एक गुरु के मैंने लिए। सुना है पढ़ना अच्छा होता है, तो वो ठीक होता है कि मैं नहीं? माफी चाहूंगी इस बारे में, यस कृपया करके कोई भी जेम स्टोन ऐसे ना पहने, अच्छा है ना? अच्छा तो मुझे नहीं पता होगा ना होगा, अगर वो मारक बाधक हो गया, अकारक हो गया, 6 8 12 का मालिक हो गया तो वो तड़पा जरूर देगा। अच्छा मैम एक सवाल हो, अब 4th हाउस में जुपिटर है और साथ में शनि है, तो वो अच्छा होता है कि खराब? हाँ वो अच्छा, एंजाइटी अच्छा रहेगा, परेशानी रहेगी, पर फाइनेंशियली और जॉब में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम। जी ओके अल्पना जी बोलिए। राधे हेलो मैम, राधे 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 जी। मैम। मुझे ये पूछना था, मेरे हस्बैंड की लग्न कुंडली में 7th हाउस पे जुपिटर भी है एंड सैटर्न भी है। तो जुपिटर सैटर्न है मैडम, दिक्कत तो उनके काम में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक है आपके साथ प्रॉब्लम चलती रहती है, नहीं बट मैम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात है, कर्म अच्छे हैं, उपाय करते रहते हैं वो किसी ना किसी चीज के।
मतलब किस टाइप के उपाय, जो जैसे वो कपड़े उपड़े दान करने वाले, वो तो नहीं करती हूं मैं, किसी हाँ वो नहीं करने चाहिए, दान नहीं करने चाहिए, मैंने मना ही भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, वो आप नहीं करते हैं, बेस्ट है। तो मैम उसका उन कपड़ों का करेंगे क्या हम रख के? हाँ मैडम मैं उस बता चुकी हूँ, प्लीज आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, है ना। बट मैम ऐसी कोई मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है बहुत अच्छी इसीलिए? बात है मैम, बहुत अच्छी बात है ना। वैसे होती है 7th हाउस में जिसका जुपिटर रहता है। अच्छा हाँ जी अच्छा ठीक हाँ जी है। ओके। एंड मैम एक क्वेश्चन और, अगर 1st हाउस में जुपिटर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो निगेटिव रिजल्ट दे रहा है या पॉजिटिव? मैडम इसका भी मैंने बताया है, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो मैंने ये बताया था समझ कि में नहीं आपके आया आपके मुझे। अच्छा घर में हर कोई, हर किसी ने बहुत अच्छी डिग्री ले रखी है, तो आज के टाइम में हम बीए या ग्रेजुएशन बहुत अच्छी डिग्री नहीं मानते हैं, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन हो जी। गया, डॉक्टरेट कर ली, दैट मींस कि उन्होंने बहुत अच्छी डिग्री ले रखी है। नहीं मेरी 1st हाउस में जुपिटर है मैंने यही तो। बोला है ना मैडम, अगर आप मेरे, अगर जुपिटर 1st हाउस में है, मेरे ससुराल में, मेरे बच्चों की, मैं सबकी डिग्रियां देखूंगी, मेरी बहुओं की, देरानी जेठानी की, मेरी भाभियों की, कि कैसी डिग्रियां हैं उनके पास, उसके अकॉर्डिंग मेरा जुपिटर पता चल जाएगा। उसका मैंने उपाय भी बता रखा है, एक बार रिकॉर्डिंग वापस। मैं जरूर रिकॉर्डिंग जरूर देखूंगी मैम, फिर एक बार ठीक से समझ में आ जाएगा। ओके थैंक यू मैम। थैंक राधे राधे यू। जी। जी भागीरथ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। वैसे मैं BNN पढ़ रहा हूँ और आपने बताया अभी थोड़ा लेट जुड़ा था मैं, और आपने रिकॉर्डिंग आ बताया जाएगी भागीरथ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिएगा। मेरा सूर्य भी 12वें हाउस में है, क्रेडिट नहीं चींटियों मिलता, कुछ भी कर लो, यश नहीं मिलता। वाला बताया था। हाँ वो उपाय करो चींटियों वाला, ठीक है ओके यू मैम। जी। राधे राधे। जी मैम। सर जिनके कैमरा ऑन है उसमें से सिर्फ अभी दो बने बचे हैं, वन मैम प्लस और तृप्ति जी, बाकी मैम सबका हो गया है अनम्यूट कर लेता हूँ सबको। जी। जी सी क्लासेस फिर मैं बता रहा हूँ ऑफर प्राइस में है, दोबारा नहीं मिलेगी। विनोदमा जी ने जैसे बताया आपको बहुत लगे बच्चों ने सिर्फ 35 से 40 में सिर्फ प्रेडिक्शन पढ़ा है। राइट रेमेडियल क्लास अभी आपकी बाकी है। अगर आप टैरो कार्ड रीडर, हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट हो तो भी आपके लिए इतनी 750 रेमेडीज नहीं मिलती हैं प्लेनेट वाइज। सो मोस्ट वेलकम ज्वाइन दिस वंडरफुल इन जस्ट रुपीज ऑफ 3540। जी मैम। वन प्लस मैम, तृप्ति मैम दोनों अनम्यूट कर लीजिए। हेलो नमस्ते मैम। नमस्ते जी, राधे राधे मैम, जी। वन प्लस मुझे मैम सिर्फ पहले ये जानना था कि गुरु अगर 12वें घर में होता है तो उसका क्या फर्क, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरी बेटी की कुंडली है उसमें। मैम आप लेट जुड़े हैं आई थिंक, जी। आप प्लीज रिकॉर्डिंग देखिएगा। अच्छा मैम अच्छा होता है कि बुरा होता है? है, अच्छा है, 12th हाउस गुरु अच्छा अच्छा है, ठीक है मैम, थैंक यू। इसके उपाय वगैरह मैंने सब बताए हैं ना, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है ओके जी, राधे थैंक राधे यू। जी। वन प्लस जी बोलिए। या मैम मेरा नाम पूजा है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था, उसकी कुंडली में बहुत राहु का इफेक्ट है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ मैम? इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि आज हमारा एजुकेशन रिलेटेड था, कंसल्टेशन नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम कंसल्टेशन अच्छा का लेके आएंगे, आप जरूर। ठीक है थैंक यू। जी कविता जी, लास्ट है, फिर मेरा क्लास है तो मैं जाना चाहूंगी। जी कविता जी अनम्यूट कर लें। हाँ जी मैम, अगर गुरु 4th हाउस में कंबस्ट हो तो वही जो आपने उपाय बताए हैं वही करने चाहिए, हाँ जी वही, और साथ में सूर्य शुक्र हो तो भी? हाँ जी वही है, इसलिए सिंगल प्लैनेट्स के बताएं, कॉम्बिनेशन के अभी मैंने नहीं बताए उपाय। अच्छा तो इनके अलग हो जाता हाँ कॉम्बिनेशंस के अलग हो जाते हैं, है ना, इसलिए आप सिंगल प्लैनेट्स वाले करिए। है? ठीक है मैम, ठीक है थैंक यू। ओके जी। राहुल सर आज्ञा। नहीं प्रैक्टिकली नहीं पूछा। राहुल सर जी, विद्या देवी जी कहाँ गए आप? एक सेकंड। जी सर जी कविता जी डन हो गया सर, कविता जी का भी सबके हो गए हैं कुछ। डन 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 अनम्यूट कर लो मैम। जी सर राइट सो आपकी क्लास है नेक्स्ट। जी चलिए
मेरा भी एक सेशन चल रहा है साथ 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 में, इसलिए कर रहा हूँ। सो सबके क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए हैं। जी सर, सो मैम की क्लासेस मैंने जैसे आपको बताया 2 हफ्ते की क्लासेस हैं, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं। तो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन। 750 रेमेडियो में कम नहीं होती हैं, ठीक है। बहुत बड़ा आपको एक ऑफर मिला, इस मिल रहा है बहुत बड़ी सेशन मिल रहा है। तो मोस्ट वेलकम ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट बिलो 3540। टू नो मोर अबाउट डिटेल्स आप मुझे फोन कर सकते हो 777-159-3033 पे। मैं फिर रिपीट करता हूँ 777-159-3033। जिस आईडी से आपने ज्वाइन किया वही मेरा फोन नंबर है, आप उससे फोन कर सकते हैं। राइट मैम, राइट सर, राइट। थैंक यू मैम टू बींग हियर। आपने 2 प्लेनेट के आज हमें रेमेडीज दी हैं। बाकी क्लास में आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन की रेमेडीज भी समझ आएगी। जैसे आप अभी हमें सवाल पूछ रहे थे कि गुरु के साथ चंद्र है तो क्या करें, केतु के साथ चंद्र है तो क्या करें, तो उन सब पे हम बात करेंगे क्लास के अंदर, राइट। वो एक टॉपिक को छेड़ना बहुत बड़ा काम है, सो संभाल उसको समझना बहुत जरूरी है पहले। तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको साथ फ्री मिली, अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है डोंट वरी, ज्वाइन दिस क्लास यू विल लर्न इट। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो मिलेंगे बहुत जल्द फिर किसी नए सेशन में मैम के साथ और किसी और टीचर के साथ जल्द ही। तब तक के लिए राधे राधे राधे, जय गुरु, टेक केयर। थैंक यू दी अनामिका, थैंक यू टू एवरीवन। राधे राधे राधे, जय गुरु जी, राधे थैंक यू सर, राधे, जय गुरु जी, राधे राधे। हम लेके बुलाए राधे राधे मैम, राधे राधे।